हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको खंडेना बनाना सिखाऊंगी, जो एक बिहार की डिश है और ये चने की दाल से बनता है। ये है मेरा चने की दाल। एक कटोरा मैंने चने की दाल लिया, इसे मैंने भिगो दिया है 2 घंटे के लिए, तो ये फूल कर ऐसा हो गया है। और इसके और जीरा लगेगा, धनिया लगेगा, लहसुन, नमक और मिर्चा, इसे मैं इन सबको पीस लूँगी। मैंने एक जार लिया है, अब इसको मैं सब इसी में डाल दूंगी। चने की दाल, धनिया, एक कटोरी लमसम धनिया है, 4-5 कली लहसुन, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच नमक, 3 मिर्चा और थोड़ा सा पानी डाल के पीस दूंगी। ये मेरा पिस गया है, इसमें मैंने 4 चम्मच पानी और ऐड किया था और ये पिसने के बाद ऐसा हो गया है। अब मैं इसे मैं बाउल में निकाल लूँगी। अब मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। अब इसको मैं एक फ्राई कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के भूनूंगी। अब मैं गैस ऑन कर दूंगी, इसमें कम से कम 4 चम्मच तेल डालूंगी। और तेल गरम होने के बाद इसमें मैं चने की दाल डाल के भून लूंगी। ये तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें चने की दाल डाल के भून लूंगी। अब मैं इसको मीडियम आंच में भून लूंगी, जब तक ये चारों तरफ छोड़ ना दे तब तक मैं इसको भूनती रहूंगी। ये देखिए मेरा चने की दाल से पानी सोख लिया है। ये देखिए कढ़ाई से चारों तरफ इसे छोड़ दिया है। अब इसको मैं थाली में जमा लूंगी। अब मैं थाली में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और थोड़ा सा थाली में, अब मैं इसको सब इसमें थाली में निकाल दूंगी। अब इसको मैं जमा लूंगी। मैंने थाली में इस तरह से जमा लिया, आपको मोटा या पतला जैसे भी करना है जमा लीजिए। और इसको आधे घंटे बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद इसको कट करके चाहे आप इसको चटनी के साथ ऐसे ही खा सकते हैं या इसको फ्राई कर सकते हैं। अभी मैं आपको डीप फ्राई कर, ये ढोकला मेरा ठंडा हो गया है और ये ढोकला इतना मोटा बना है। आप मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया, आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। अब मैं इसे फ्राई करने जा रही हूँ। एक फ्राई पैन मैंने चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। तेल को गरम होने देंगे। ये मेरा तेल गरम हो गया है, इसको मैं डीप फ्राई कर दूंगी। जब तक ये लाल नहीं होगा तो इसे पलटेंगे नहीं। एक तरफ से हल्का सा हो गया है, इसे मैं फ्राई पलट लूंगी। अब मैं कटलेट को लाल कर लूँगी। हो गया है, चाहे तो आप इसी तरह सारे कटलेट काट सकते हैं, नहीं तो इसे कच्चा खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। ये मेरा रेडी हो चुका है और इसे आप बिना कर तले भी खा सकते हैं और ये इस तरह से भी खा सकते हैं। आप इंजॉय करिए। अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं और लाइक एंड शेयर करिएगा। अच्छा, बाय बाय।